सो बेसिकली जो हमारा आता है सेल्स कंट्रोल सिस्टम, सो सेल्स कंट्रोल सिस्टम F&B में इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे F&B में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमने कंट्रोल करना है फॉर बेटर ग्रोथ, ठीक है, फॉर बेटर क्या बोलते हैं इनकम के लिए, बेटर सेल के लिए, ठीक है। सो हर एक होटल में सेल्स कंट्रोल सिस्टम को चलाया जाता है टू रन आर रेस्टोरेंट और F&B ऑपरेशन स्मूथली, ठीक है। सो बेसिकली हमारा सेल्स कंट्रोल में आता क्या क्या है, अगर हम बात करें सेल्स कंट्रोल में सबसे पहले ये चीज आती है कि हम कोई भी चीज करेंगे वो दैट शुड बी लीगली। लीगली का मतलब ये है कि अगर हम गेस्ट को कुछ दे रहे हैं तो वह प्रॉपर जितना SOP है उसके अकॉर्डिंग देंगे, ना ही कम देंगे ना ही ज्यादा देंगे। अगर कम देंगे तो हमारी क्या बोलते हैं उसकी एक तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, सेकेंडली हमारा कंट्रोल हमारी कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा दे रहे हैं तो फिर वही चीज है, हमारी चीज एक्सेसिव हो जाएगी, इट मीन्स क्या है हम फ्रॉड है, हम गेस्ट को चीज कम दे रहे हैं, थर्ड अगेन हमारी कॉस्टिंग पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी सेल्स कंट्रोल में आती है। सो एक F&B कंट्रोलर होता है, फूड एंड बेवरेजेस कंट्रोलर पर्सन होता है, वो क्या करता है इस वाली सारी चीज को, ठीक है, मॉनिटर करता है, उसके पास राइट्स होते हैं, ठीक है। वो कहीं भी रेस्टोरेंट में कहीं भी आके कुछ भी चेक कर सकता है, वो रेस्टोरेंट का कॉस्ट कैश ड्रॉअर चेक कर सकता है, वो सिस्टम चेक कर सकता है, ठीक है, उसके बाद वो KOTs चेक कर सकता है, वो अपना हर रिकॉर्ड चेक कर सकता है, उसको बोलते हैं हम F&B कंट्रोलर। उसी के पास ही राइट्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं वो करता है अपनी तरफ से, बट उसमें क्या होता है उसमें मेन्यू के प्राइस को बढ़ाना इट्स नॉट ए इजी टास्क, वो मैनेजमेंट के अप्रूवल से सब होता है, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हमने गेस्ट से ऑर्डर लेना है हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑर्डर लेना है और उसको प्रॉपर क्या बोलते हैं चीज इन्फॉर्म करनी है कि इतनी क्वांटिटी में चीज जाएगी, ठीक है। ये ना आपने गलत कर दी, उसके बाद आपने सोचा कोई नहीं देख रहा चुपचाप मैं गेस्ट को दे देती हूँ, आपने दे दिया वो गेस्ट दोबारा आएगा ऐसे मांगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस होगा, रेपुटेशन खराब होगी। सेकेंडली हमने जब भी गेस्ट से ऑर्डर लेना है हमने फटाफट जो KOT होती है किसको हैंडओवर करनी होती है, एक तो सर किचन को, हाँ जी, तो किचन को KOT हैंडओवर करनी होती है सो दैट कि हमारा जो ऑपरेशन है स्मूथली चले। तो KOT सेल्स कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंडली जो भी ऑर्डर लेंगे करेक्ट लेंगे, ठीक है, जो भी गेस्ट का बिल बनाएंगे, याद रखना जो भी गेस्ट का बिल बनाएंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर उसमें किसी भी तरह की डिडक्शन भी हुई है तो उस डिडक्शन का आपने वहां पे मेंशन करना है। अगर आपने किसी को 50% डिस्काउंट दिया है तो आपने मेंशन करना है आपने किसकी रेफरेंस से उसको डिस्काउंट दिया है ना, ऐसे तो डिस्काउंट दे नहीं सकते ना, कोई चीज होगी या कोई प्रमोशन चल रही है या कोई ऑफर चल रहा है या फिर हमारे मैनेजर की रेफरेंस है या स्टाफ डिस्काउंट है, वो सारा चेक के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपने अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है बिल्स का रिकॉर्ड, इन द सेंस कि जब हम शिफ्ट बंद करते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम शिफ्ट ऑफ करते हैं ना तो हम एक रजिस्टर होता है बिल रजिस्टर, ओवरऑल दिन के सारे बिल वहां पे लिखते हैं सीरियल वाइज, ठीक है, देन क्लोजिंग प्रॉपर करेंगे हम। सो F&B कंट्रोलर किसी भी समय आके ये सब चीजें वो चेक कर सकता है। ये तो हो गया, आपको समझ आया सेल्स कंट्रोल का मतलब? सीरियस ओके, अब वो फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन में वही चीजें आ जाएंगी इस कंट्रोल का। कंट्रोल मतलब क्या है, टू मॉनिटर एवरीथिंग, है ना, टू कंट्रोल एवरीथिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया F&B कंट्रोलर का क्या काम है, वो सारी एक्टिविटीज जो होंगी रेस्टोरेंट में सारी मॉनिटर करेगा। वो क्या करेगा, इससे होगा क्या आप मेरे को बताओ, इससे हमारे बेनिफिट्स क्या है, अगर F&B कंट्रोलर ये सब चीजें कंट्रोल करेगा हमारे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, दो पॉइंट बताओ। सोचने दो सर, टाइम लो बट बताओ, सिंपल तो है। सर कोई आइडिया नहीं, बेटा हर चीज आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर जा रही है ना,
हर चीज आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू जा रही है, गैस को बिल डॉक्यूमेंट, गैस को बिल पेज के ऊपर जा रहा है, क्योटी पेज के ऊपर जा रही है, रिटर्न जा रही है, सब कुछ जा रहा है, फिर आपकी पिलफरेज नहीं बची। चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। कैसे सर? मैं आपको बताता हूँ, आपके बार में एक बोतल है दारू की, ठीक है, उस बोतल में निकलेंगे 25 पैग, पैग समझते हो ना? यस सर। उसमें निकलेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ ध्यान से सुनना, उसमें निकलेंगे 25 पैग। आपने 25 पैग 10-12 लोगों को दिए होंगे, गेस्टों को, अलग अलग है ना, किसी ने 2 पिए, किसी ने 3 पिए, आपने जितनी बार दिए हर बार आपकी क्योटी निकलेगी, है ना? जितनी बार दोगे क्योटी निकलेगी, निकलेगी क्योटी। अब F&B कंट्रोल, हाँ, तो अगर एक एक पैग एक बोतल है तो एक बोतल का आपके पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है। F&B कंट्रोलर कभी भी आ सकता है, हाँ बोले बोल, वो बोलेगा आपकी एक बोतल ये कंज्यूम हुई है, इसकी मेरे को रिकॉर्ड दो, आप क्या करोगे? आप क्योटी निकाल के दिखा दोगे? अगर आप क्योटी नहीं निकाल के दिखाओगे तो इट मीन्स आप क्या हो? फ्रॉड। फ्रॉड है ना, साफ पता चलेगा फिर। समझ आई? गेस्ट को कोई भी ऑर्डर देना होता ना होटल में, क्योटी बनती है। पहले टाइम में क्या होता था, जो अभी बुक में दिया है, पहले टाइम में क्या होता था, क्योटी पेज के ऊपर बनती थी, जिसको बोलते ट्रिप्लीकेट कॉपी, है ना, तीन हिस्सों में बनती थी, यानी कि एक पेज के नीचे 2 पेज और होते थे, 3 कॉपी निकलती थी। आजकल क्या, आजकल सिस्टम सिक्योरिटी बनती है, बट वो सिस्टम सिक्योरिटी भी क्या होती है, अपने पास संभाल के रखनी होती है, ठीक है। सो आपने हमेशा याद रखना है इन चीजों का। तो इसमें क्या होगा, हमारी एक तो पिलफरेज कम हो जाएगी, हमारी वेस्टेज कम होगी। मैंने आपको बताया था कि आप जो चीज दोगे पोर्शन के साइज से दोगे, क्योटी के अकॉर्डिंग। अगर क्योटी में एक पोर्शन दिया तो एक पोर्शन ही दोगे, तो वेस्टेज के चांसेस कम है। इससे एक और चीज पता चलती है, इसको आप, इससे आपकी कॉस्टिंग पता चलती है, इस बार आपकी कॉस्टिंग कितनी हुई है, तो आप नेक्स्ट ईयर इजीली आप क्या अज्यूम कर सकते हो, इजीली फोरकास्ट कर सकते हो चीजों को, कि यार इस बार मेरा सामान इतने का लगा है तो अगली बार इतने का हो सकता है, इजीली कर सकते हो ना फोरकास्ट। तो ये सब चीजें उसमें आएंगी। देन एक जो हमारा होता है कि जो F&B कंट्रोलर होता है ना, उसका मेन चीज यही होता है, चेक करना यार बिल जो बना है सही बना है, ठीक है, किसी तरह की उसमें बिल के अंदर कोई वॉइड तो नहीं है ना, वॉइड मतलब होता है कोई डिश रिमूव तो नहीं है, अगर रिमूव होगी तो उस रिमूव की यू नो प्रॉपर। हेलो, हां सर। अगर जैसे कोई चीज वॉइड है, वॉइड का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, अगर किसी गेस्ट ने आपको 4 डिश ऑर्डर की है, ठीक है, बट वो बोल रहा है इट्स ओके यार आप 3 कर दो, अगर तो वो पॉसिबल है रिमूव करना, तो आप रिमूव करोगे, बट क्या होगा आपके सिस्टम पे तो 4 चढ़ी थी, है ना? यस सर। मैनेजर सुपरवाइजर की आईडी में ना वो राइट्स होते हैं, वो उस चीज को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट जब वो रिमूव करेंगे ना तो एक रिमूव वाली क्योटी निकल जाएगी, उस रिमूव वाली क्योटी को वो बिल के साथ अटैच कर देंगे, साथ में स्टेटस लिख देंगे गेस्ट कैंसिल द ऑर्डर, ठीक है ना? सो ये स्टेटमेंट आ गई, उस मैनेजर या शेफ के साइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज सारा क्या कंट्रोल में, अगर इनको कंट्रोल में रखेंगे ना तो ओवरऑल हमारा जितना भी ऑपरेशन है स्मूथ जाएगा। अब ट्रिप्लीकेट एक बिल कॉपी, हर चीज क्योटी से, तो क्योटी क्या किचन ऑर्डर टिकट जिसको बोलने में ये आता है, ठीक है, क्योटी और BOT यानी कि बार ऑर्डर टिकट और किचन ऑर्डर टिकट। अगर कोई किचन से रिलेटेड है तो वो किचन ऑर्डर टिकट है, अगर बार से रिलेटेड है तो बार ऑर्डर टिकट है, यानी कि अगर आप सर्वर हो, आपने कोई फूड का ऑर्डर प्लेस किया तो आपकी क्योटी किधर निकलेगी? किचन में। अगर आपने बार में ऑर्डर प्लेस किया है तो बार में निकलेगी आपकी क्योटी, मशीन्स वहां होती है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। So, एक ट्रिप्लीकेट क्योटी, ट्रिप्लीकेट क्योटी होती है, ट्रिप्लीकेट क्योटी में बेसिकली बेटा ये होता है, उसमें 3 कॉपी निकलती है, ठीक है, 3 कॉपी निकलती है, ये हम बात कर रहे हैं मैनुअली क्योटीज में, उसकी 3 क्योटी होती है। सेम चीज सेम ही होगी, आपने फर्स्ट पेज पे लिखना है, सेकंड, जब आपने बिल वगैरह नहीं देखे होते, बिलों के नीचे लगे नहीं होते छोटे दूसरे पेजेस भी लगे होते हैं, होता है ना, जब हम कार्बन कॉपी वगैरह रख देते हैं नीचे, देखा आपने वो?
आजकल तो वैसे सब कुछ बिल वगैरह तो कंप्यूटर पे निकलते हैं, बट आपने पुराने टाइम में देखा होगा एक रजिस्टर है उसके ऊपर हम नीचे कार्बन रखते हैं, फिर उसके ऊपर जितनी कॉपी आपने नीचे कार्बन रखी जाए वो छपता जाता है। ये लगा तो ऐसे ही ट्रिप्लीकेट एक क्या बोलते हैं ऐसे क्योटी पैड होता है जिसको क्योटी पैड बोलते हैं, डायरी की तरह होता है ठीक है। तो ट्रिप्लीकेट कॉपी में जो फर्स्ट कॉपी जो हमारी निकलेगी ना, जैसे आपने गैस का ऑर्डर लिया ठीक है, कॉपी है आपको फर्स्ट कॉपी किसको देनी है, किचन को। किचन हाँ जी, किचन को आपको क्यों देनी है आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर आपको क्वेश्चन आता पेपर में कि आप मैनुअल केओटी सिस्टम या फिर कंप्यूटराइज केओटी सिस्टम, तो पता होना चाहिए आपको ठीक है ना। तो फर्स्ट आपने किचन को दे दी, किचन और अपना आपने केओटी, अगर आपका आजकल तो सिस्टम से केओटी निकल जाए तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है, बट फिर भी आपको ना एक बार के लिए बंदे को जरूर जाना चाहिए, क्या हो सकता है मशीन केओटी ना निकाल पाए। आपने इधर से सोचा मैंने गैस का ऑर्डर फायर कर दिया है बट वहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, शेफ के पास भी नहीं पहुंची, एक बार जाना है। बट इन केस आपकी यू नो सिस्टम नहीं चल रहा, वैसे तो पुराने टाइम में जब सिस्टम नहीं होते थे तो क्या होता था, जैसे मैं सर्वर हूं तो एक कॉपी किसको दे दी मैंने, किचन को दे दी, किसके लिए, ओबेयर शेफ नहीं था उसको दे दी। और क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग खाना तैयार कराएगा विद इन अ टाइम। सेकेंड कॉपी जो मैंने दी है, सेकेंड कॉपी में किधर दूंगा बताओ, वो तीसरी जाएगी, फर्स्ट सेकंड कॉपी जाएगी कैशियर को। कैशियर को क्यों जाएगी सेकंड कॉपी, रेस्टोरेंट के कैशियर को क्यों जाएगी बताओ सर, जो वो बिल बना सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, वो बिल बना सके। इसमें भी एक रीजन है, ऐसा तो नहीं है ना आपने गैस खाना खा लिया उसके बाद सर्वर को कॉपी दे रहे हो, गैस को कभी वेट नहीं करवाते हमेशा, गैस कभी भी बिल, गैस खाना खाते समय भी बिल मांग सकता है कि गेट मी ए चेक, आई एम हरी, मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ, फटाफट मुझे चेक भी दे दीजिए। तो फटाफट यू नो उसकी क्योरिटीज वगैरह वो क्या कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेट करके उसका बिल रेडी कर देते हैं ठीक है। सेकेंड कॉपी किसको जाएगी, कैशियर को जाएगी। थर्ड कॉपी हमारी किसको जाएगी, वेटर को जाएगी, जो अपने पास वो डमी मीटर में रखेगा। इसके लिए रखेगा आपको पता ना, इसलिए रखेगा कि जो उसने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर को क्रॉस चेक कर लेगा ठीक है, और उसको क्रॉस चेक कर लेगा। अब ये तो हो गया आपको ट्रिप्लीकेट कॉपी, और इसकी जो कॉपीज होंगी बेटा, कॉपी के ऊपर क्योटी के ऊपर आपको मेनली पता होगा क्योटी होती क्या है, क्योटी मैंने बताया फुल फॉर्म। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर टेबल नंबर होता है ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक टेबल नंबर होता है, आपको भेज दूंगा मैं ठीक है। फिर क्योटी सीरियल नंबर होता है ठीक है, फिर नंबर ऑफ पैक्स होते हैं, पैक्स मतलब कितने गेस्ट, नंबर ऑफ पैक्स मतलब है गेस्ट नंबर ठीक है, गेस्ट का काउंट। टेबल नंबर हो गया, नंबर ऑफ पैक्स हो गया, फिर डेट होगी, सर्वर का नाम हो गया है ना जिसने ऑर्डर लिया है, फिर उसके बाद क्या होगा, वो ऐसे वो कोर्स बाय कोर्स वो बने होते कॉलम, मेन सॉरी स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, डेजर्ट ठीक है। तो ये एक पूरी क्योटी होती है जब वो ऑर्डर लेता है। ओके जी, पुराने टाइम में ऐसे होता था, बट जब सिस्टम आ गए बंदों ने क्या किया, क्योटी भी ऑर्डर लिए, बट फटाफट जाके ऑर्डर किस पे जनरेट कर दिया, सिस्टम से जनरेट कर दिया ठीक है। क्योटी आज भी यूज होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है, आज भी यूज होती है। तो ये आपको थोड़ा समझ आया कि क्योटी का सिस्टम क्या होता है। तो यस ठीक है ना, तो किचन ऑर्डर टिकट का यही मतलब है कि तीन कॉपी निकलेंगी, पहली कॉपी किसके पास जाएगी, शेफ के पास जाएगी जो खाना रेडी करवाना शुरू कर देगा, सेकंड कॉपी कैशियर के पास जाएगी जो बिलिंग वगैरह करवाना स्टार्ट कर देगा, थर्ड कॉपी किसके पास हमारी जाएगी, खुद के पास वो रखेगा के पास ठीक है, टू क्रॉस चेक द ऑर्डर है ना, ऑर्डर को क्रॉस चेक करेगा। तो ये सब चीजें हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट क्योटी क्या होती है, तो डुप्लीकेट क्योटी के बारे में बताऊंगा, बट पहले आप इसको पढ़ लेना, ये पेपर में जरूर आना है क्योटी वाला क्वेश्चन ठीक है। ठीक है सर, ओके जी, ओके सर।